हेलो दोस्तों, तो चलिए इसमें बात करते हैं हम लोग करंट अफेयर जनवरी 2019 के बारे में। 1 जनवरी 2019 को नवगठित भारत के 25वें उच्च न्यायालय के आंध्र प्रदेश के पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो है सी त्रिवेद कुमार, याद रखिए सी त्रिवेद कुमार। 1 जनवरी 2019 को तेलंगाना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये है TVN राधा कृष्णन। 1 जनवरी 2019 को किसने आयुध निर्माणी बोर्ड के महानिदेशक और अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये सौरभ कुमार। अगला, 1 जनवरी 2019 को भारतीय सिनेमा के किस प्रसिद्ध अभिनेता और लेखक का 21 वर्ष की आयु में 81 वर्ष की आयु में कनाडा में निधन हो गया? तो यह कादर खान। अगला है, 1 जनवरी 2019 को कौन से दो देश आधिकारिक तौर पर यूनेस्को से अलग हो गए? तो यह है अमेरिका और इजराइल। अगला है, 2 जनवरी 2019 को पाकिस्तान के प्रांतीय सरकार ने किस हिंदू धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है? तो यह पंज तीर्थ हिंदू धार्मिक स्थल। अगला है, 2 जनवरी 2019 को क्रिकेट कोच रमाकांत आचरेकर का निधन हो गया। वे किस दिग्गज क्रिकेटर के बचपन के कोच थे? तो यह सचिन तेंदुलकर के। अगला है, 2 जनवरी 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन बैंकों के विलय को अपनी मंजूरी दी है? तो यह बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक। अगला है, 3 जनवरी 2019 को चंद्रमा के दूसरी ओर यान उतारने वाला पहला देश कौन बना? चीन। अगला है, 3 जनवरी 2018 को 2019 को सॉरी सौभाग्य योजना के अंतर्गत कितने राज्यों में 100% विद्युतीकरण पूरा हो गया? तो 25 राज्य। अगला है, 3 जनवरी 2019 को भारतीय साइंस कांग्रेस के 106वें भारतीय वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए किसने जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का घोष किया है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला है, 3 जनवरी 2019 को 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में किसे एग्जीबिटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो यह रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। अगला है, 3 जनवरी 2019 को किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराजा वीर विक्रम मणिक किशोर एयरपोर्ट किया गया? तो यह अगरतला एयरपोर्ट। अगला है, 4 जनवरी 2019 को अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसेंट पर चढ़ने वाली पहली महिला पर्वतारोही कौन बनी? तो यह अरुणिमा सिंह। अगला है, 4 जनवरी 2019 को पाकिस्तान द्वारा स्वदेश में विकसित रॉकेट A-100 की सीमा क्या है? तो यह 100 किलोमीटर। अगला है, 4 जनवरी 2019 को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर की परफॉर्म बने? तो यह ऋषभ पंत। अगला है, 4 जनवरी 2019 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह विश्व व्हेल दिवस। अगला है, 4 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस जगह दोली तावी बैराज परियोजना का उद्घाटन किया? तो मणिपुर। अगला है, 5 जनवरी 2019 को 3 बार ओपन कप जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो है स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर। अगला है, 5 जनवरी 2019 को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हॉफमैन कप 2019 का खिताब किसने जीता? यह स्विट्जरलैंड ने जर्मनी को हराकर। अगला है, 5 जनवरी 2019 को प्रो कबड्डी लीग के 6वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो यह बेंगलुरु बुल्स ने गुजरात फॉर्च्यून जॉइंट को पराजित कर। अगला है, 5 जनवरी 2019 को भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून 2018 के तहत देश का पहला भगोड़ा आर्थिक अपराधी किसे घोषित किया गया? विजय माल्या। अगला है, 5 जनवरी 2019 को आई लीग में अब तक के सबसे युवा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो यह 16 वर्षीय भारतीय फुटबॉलर रोहित दानू। अगला है, 5 जनवरी 2019 को उड़ीसा सरकार ने मिशन शक्ति योजना के तहत स्वयं सहायता समूह के लिए कितने रुपए तक के ऋण पर 0%
ब्याज की घोषणा की है तो 3 लाख। अगला है 5 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में शुरू 9 दिवसीय 27वें विश्व पुस्तक मेले का विषय क्या था? ये था रीडर्स विद स्पेशल नीड्स। अगला है 6 जनवरी 2019 को कैलिफोर्निया में आयोजित 76वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के तहत ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो एक क्रमशः रामी गलेट और ग्लेन क्लोज। अगला है 6 जनवरी 2019 को 76वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड से किसे किस फिल्म में विदेशी भाषा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो रोमान। अगला 6 जनवरी 2019 को भारत ने किस देश में 1948 के बाद पहली बार टेस्ट सीरीज खेली जीता? तो ऑस्ट्रेलिया। अगला 6 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने इसरो को अंतरिक्ष क्षेत्र में विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कितने रुपये आवंटित किए? तो है 10,900 करोड़ रुपये। अगला 7 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को के लिए सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है? तो 10%। अगला 7 जनवरी 2019 को भारत ने कहा रणनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चाबहार बंदर का परिचालन शुरू किया ईरान में? अगला 7 जनवरी 2019 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शैक्षिक वर्ष 2019-20 से जवाहर नवोदय विद्यालय में कितने सीटें बढ़ाने की घोषणा की है? तो यह 5,000 सीटें। अगला 7 जनवरी 2019 को भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 106वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ? तो यह जलंधर। अगला 8 जनवरी 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको डिजिटल पेमेंट समिति का चेयरमैन बनाया? तो है नंदन नीलेकणी। अगला 8 जनवरी 2019 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का 105वां सदस्य कौन बना? तो यह अमेरिकी क्रिकेट संघ यूएसए क्रिकेट। अगला 8 जनवरी 2019 को कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देने वाले मलेशिया के पहले सम्राट कौन बने? तो यह सुल्तान मोहम्मद 5वें। अगला 8 जनवरी 2019 को एशिया प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? आंध्र प्रदेश। अगला 9 जनवरी 2019 को सशक्त सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? यह कुमार राजेश चंद। अगला 9 जनवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री का पदभार किसने संभाला? यह गीता गोपीनाथ। अगला 9 से 20 जनवरी 2019 के बीच खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का आयोजन कहाँ हुआ? पुणे महाराष्ट्र में। अगला 9 जनवरी 2019 को कहाँ में देश का सबसे लंबा सिग्नल लैंड स्टील केबल ब्रिज बोरंग पुल का उद्घाटन किया गया? तो यह सिक्किम में। अगला 9 जनवरी 2019 को सवर्णों को 10% आरक्षण वाला विधेयक राज्यसभा में कितने मतों से पारित हुआ? तो 165, लोकसभा में 323 से। 10 जनवरी 2019 को जारी हेलेने पासपोर्ट सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो यह 79 मतलब 79 प्रथम पर जापान। अगला 10 जनवरी 2019 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह विश्व हिंदी दिवस। अगला 10 जनवरी 2019 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार भारत कब तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा? 2030। अगला 10 जनवरी 2019 को वेनेजुएला के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसने ली है? तो है निकोलस मदुरो। अगला 11 जनवरी 2019 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मिशन गगनयान को कब लॉन्च किया? तो दिसंबर 2021 की घोषणा की है। ठीक है। अगला 11 जनवरी 2019 को टोक्यो ओलंपिक के लिए सेफ द मिशन के रूप में किसे नामित किया गया? वीरेंद्र प्रसाद बेस को। अगला 11 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया महासचिव किसे नियुक्त किया है? तो है जयदीप गोविंद। अगला 12 जनवरी 2019 को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला 12 जनवरी 2019 को ताइवान का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो है सो तेसेंग चेंग।
अगला है 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल की मानद पदवी से सम्मानित किया है, तो यह नेपाल के सेना प्रमुख जनरल पूर्ण चंद्र थापा को। अगला है 12 जनवरी 2019 को किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक नौकरी योजना का शुभारंभ किया है, तो यह सिक्किम सरकार। अगला है 12 जनवरी 2019 को मैसेडोनिया ने अपने देश का नाम बदल क्या रखा, तो यह उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य। अगला है 12 से 13 जनवरी 2019 के मध्य पहली भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह उज्बेकिस्तान स्थित समरकंद में। अगला है 14 जनवरी 2019 को आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बना है, गुजरात। अगला है 14 जनवरी 2019 को सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार किसे जीता है, तो यह नमिता गोखले। उपन्यास है थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। अगला है 14 जनवरी 2019 को पहला प्रीमियर बैडमिंटन लीग का खिताब किसने जीता है, तो यह बेंगलुरु रैप्टर्स ने मुंबई रॉकेट रॉकेट्स को हरा कर। अगला है 14 जनवरी 2019 को दिल्ली में पहली बार फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला है 14 जनवरी 2019 को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो यह बुद्ध देव दास गुप्ता। अगला है 15 जनवरी 2019 को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले सेना दिवस परेड कार्यक्रम में पहली बार सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली महिला ऑफिसर कौन बनी, तो यह भावना कस्तूरी। अगला है 15 जनवरी 2019 को संपन्न विजय मर्चेंट ट्रॉफी 2018-19 का खिताब किसने जीता है, तो यह हरियाणा ने झारखंड को पराजित कर। अगला है 15 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में कितने करोड़ रुपए का विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है, तो ये 1500 करोड़ रुपए। अगला है 15-16 जनवरी 2019 को पहला ग्लोबल एविएशन सम्मेलन फ्लाइंग फॉर ऑल विषय के साथ कहाँ आयोजित किया गया, मुंबई में। अगला है 16 जनवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में किसको अपना नया सीईओ नियुक्त किया, तो है मनु साहिनी। अगला है 16 जनवरी 2019 को भारत म्यांमार के बीच एमबैक्स 2018-19 युद्धाभ्यास कहाँ शुरू हुआ है, हरियाणा के चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन। अगला है 16 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने पिछले 4 वर्षों के लिए गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की है, वर्ष 2018 के लिए पुरस्कार किसे नवाजा गया, यो ही सासाकावा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना दूत हैं। अगला है 16 जनवरी 2019 को फेंको जर्मन मानव अधिकार पुरस्कार किसने जीता है, तो ये यू बेंसेंग चीनी वकील। अगला है 16 जनवरी 2018 को भारत के सबसे कम आयु के ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो ये चेन्नई के डी मुकेश। अगला है 17 जनवरी 2018 को प्रतिष्ठित लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी, तो यह महिला पहलवान विनेश फोगाट। अगला है 17 जनवरी 2019 को विश्व का पहला मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल कहाँ है, लंदन में आरंभ हुआ है। 18 जनवरी 2019 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में बीटेक शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन बना, तो यह आईआईटी हैदराबाद। अगला है 18 जनवरी 2019 को जापान पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया, तो यह डॉक्टर रतन लाल को। अगला है 18 जनवरी 2019 को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिलिट्री पुलिस में कितना फीसदी महिलाओं को भर्ती करने की घोषणा की है, तो 20%। अगला है 18 जनवरी 2019 को वर्ष 2020 हेतु विश्व की पहली वास्तुकला की वैश्विक राजधानी किसे घोषित किया गया, तो यह रियो डी जेनेरो ब्राजील। अगला है 19 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो यह मुंबई। अगला है 20 जनवरी 2019 को पुणे में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 थीम है 5 मिनट दौड़ में पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आया, तो महाराष्ट्र। आपको बता दें दूसरे स्थान पर हरियाणा रहा और तीसरे स्थान पर नई दिल्ली। अगला 20 जनवरी 2019 को संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का शुभंकर था जया और विजय में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने किसने जीते, तो तैराक श्रीहरि नटराज ने 7 स्वर्ण पदक।
अगला है 20 जनवरी 2019 को संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में पहला गोल्ड मेडल तथा महिला वर्ग में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? तो है क्रमशः मोहम्मद राफे जिमनास्ट में और प्रतिष्ठा सामत जिमनास्ट में। अगला है 20 जनवरी 2019 को संसद रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो है सांसद अनुराग ठाकुर। अगला 21 जनवरी 2019 को रिजर्व बैंक के IEDFC फर्स्ट बैंक के सीईओ के रूप में किसने किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो वी वैद्यनाथन। अगला 21 से 23 जनवरी 2019 के मध्य आयोजित 15वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य अतिथि कौन थे? तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ। अगला 22 जनवरी 2019 को विश्व आर्थिक मंच 2019 की वार्षिक बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो स्विट्जरलैंड के दावोस में। अगला है 22 जनवरी 2019 को ICC अवार्ड 2018 के तहत सर्वश्रेष्ठ वनडे और टेस्ट खिलाड़ी के साथ सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे घोषित किया गया? तो है क्रिकेटर विराट कोहली जी। अगला है 22 जनवरी 2019 को झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वर्ष 2019-20 के लिए तहत कितने करोड़ का बजट पेश किया है? तो यह 85,429 करोड़ रुपये 85,429 करोड़ रुपये। अगला है 22 जनवरी 2019 को प्रथम शेख शोध अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो यह भारत रत्न से सम्मानित वैज्ञानिक CN राव। अगला है 12 जनवरी 2019 को वर्ष 2017 के प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो यह गुजराती साहित्यकार सिद्धांशु यश चंद। अगला है 12 जनवरी 2019 को APG कोलकाता लिटरेरी फेस्टिवल में वुमन वॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया रंजनी मुरली। अगला है 23 जनवरी 2019 को सबसे तेज 100 एक दिवसीय विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो मोहम्मद शमी। अगला है 23 जनवरी 2019 को वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? तो है केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल। अगला है 24 जनवरी 2019 को येस बैंक के CEO और MD किसे नियुक्त किया गया? तो यह राव नीत सिंह सिंगल। अगला है 24 जनवरी 2019 को किस क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर जोहान बोथा। अगला है 24 जनवरी 2019 को देश में कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगला है 25 जनवरी 2019 को इंडिगो का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? तो रोनो जोय दत्ता। अगला है 25 जनवरी 2019 को हिंदी के प्रसिद्ध किस लेखक का निधन हो लेखिका का निधन हो गया? तो कृष्णा सोबती। अगला 25 जनवरी 2019 को देश के दूसरे सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से किस लोक गायिका को सम्मानित किया गया? तो है तीजन भाई। 25 जनवरी 2019 को पद्म श्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय ट्रांसजेंडर बनी है नर्तकी नटराज। अगला है 25 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति भवन की ओर से वर्ष 2019 में 3 हस्तियों को भारत रत्न की देने की घोषणा की गई। तो यह है सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख, इन्हें मरणोपरांत दिया गया। गीतकार एवं संगीतकार भूपेन हजारिका, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया। 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी दिया गया। तो याद रखिए नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। अगला 25 जनवरी 2019 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया? तो यह कोई भी मतदाता पीछे नहीं छूटना चाहिए, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। अगला 26 जनवरी 2019 को 70वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री रामपोसा। अगला 26 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस के मौके पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र सम्मानित किया गया? है लॉन्स नायक नजीर अहमद वानी। अगला 26 जनवरी 2019 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2018 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना? तो नारी शक्ति शब्द को। अगला 27 जनवरी 2019 को संपन्न इंडोनेशियाई मास्टर का खिताब किसने जीता? तो वह साइना नेहवाल ने कैरोलिना मारिन को हरा। अगला 27 जनवरी 2019 को संपन्न ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 में पुरुष तथा महिला के एकल का खिताब किसने जीता है? तो है क्रमशः नोवाक जोकोविच सर्बिया के, नाओमी ओसाका जापान की है।
अगला 27 जनवरी 2019 को जारी रिपोर्ट के अनुसार चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन बना? भारत। अगला 28 जनवरी 2019 को जारी विश्व के मूल्यवान ब्रांड्स की सूची में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना? तो टाटा ग्रुप। अगला 29 जनवरी 2019 को भारत के किस पूर्व रक्षा मंत्री का निधन हो गया? तो यह जॉर्ज फर्नांडिस। अगला 29 जनवरी 2018 को हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो चित्रा मुदगल को। उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपरा के लिए। अगला 29 जनवरी 2019 को संपन्न स्वस्थ भारत यात्रा अभियान के तहत किस राज्य को अपनी सक्रिय भागीदारी के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया? तमिलनाडु। अगला 30 जनवरी 2019 को पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल जज कौन बनी? तो सुमन कुमारी। अगला 30 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किया? तो दांडी गुजरात में। अगला 30 जनवरी 2019 को फेडरल बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह दिलीप सदरंगानी को। अगला 31 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला? तो राजीव चोपड़ा। अगला है 31 जनवरी 2019 को मलेशिया के नए राजा के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो यह सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह। तो दोस्तों ये थी जनवरी की करंट अफेयर्स 2019 की, ठीक है।